ही गाइस, वेलकम बैक टू जशनाया व्लॉग। तो आज मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी, सो के उठी बहुत जल्दी, ऊपर से रेडी होना था और मेकअप भी करना था ये सोच के, और मुझे नींद आ रही थी। पर डे वन है तो लेट नहीं करते हैं, तो जल्दी उठ जाते हैं। बट कोई बात नहीं यार, होता है, सबके लाइफ में ऊपर नीचे होती हैं। मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, बस 10 दिन और निकाल लें, ये सोच सोच के और मेरा दिमाग फट रहा था। बट चलते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे कि मैं आज काफ़ी जल्दी उठ के नहा धो के रेडी हो गई हूँ, सिर्फ इसी डर से कि कशिश मुझे सबके सामने चिल्लाए ना। बट यस, और ऊपर से ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से। कशिश की मम्मी ने मुझे बोला है, आंटी ने, कि प्रेजेंटेबल दिखना है, मेकअप करो। सुबह सुबह मेकअप भी करवा लेगा, करना पड़ेगा, लेट्स गो। यहाँ हो चुकी हूँ मैं, ऑलमोस्ट रेडी, और ब्रेकफास्ट भी आ गया है। यहाँ पर मॉडल भी आ गई हैं, जिनको हम देख देख के सीखेंगे। आज आज मैं नहीं हूँ, आज बलि का बकरा मैं नहीं बनी हूँ। आज कोई और बना है, आज मैं सीखूँगी। तो हम चले नीचे, और आज है फर्स्ट डे, लेट्स सी क्या होता है। मेरे साथ बस हो रही हूँ मैं, हाथ के देखो एकदम खड़े हो गए मेरे, क्योंकि नहीं बहुत साल बाद कुछ सीखने मिलेगा। मैंने मेरे लाइफ में कॉलेज के बाद इंटीरियर कोर्स चालू किया था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था कुछ रीजन्स की वजह से। आज मैं अपनी मर्जी से, दिल से सीखना चाहती हूँ मेकअप। तो बहुत कम लोगों को ये ख्वाहिश पूरी होती है कि खुद की मर्जी से अपने सपने पूरे करने की, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैं खोना चाहती हूँ। तो आज मैं मॉडल बन के नहीं आई हूँ, आप सबके साथ यहाँ पर स्टूडेंट बन के आई हूँ। कशिश ने मजबूर कर दिया मुझे मेकअप सीखने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना सीख लेते हैं। और मैंने अभी बताया कि बहुत कम लोगों को अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने की मौके मिलते हैं, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहती थी। तो सोचा कशिश से बेटर मेकअप मुझे कोई नहीं सिखा सकता, और प्लस ऑनेस्टली कशिश तो रही, लेकिन मैं किसी से डरती हूँ यहाँ पे। तो मैं सीख जाऊँगी, मेरे घर वालों को भी यकीन था कि मैं सीख जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, क्या बोला, समझ रहे हो ना कि मैं सीख जाऊँगी। यहाँ पर प्रिंसिपल भी है, यहाँ पर टीचर भी है, और बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि अगर आप सीख रहे हो, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नहीं कि कशिश सिर्फ आपसे पैसे ले रही है और नहीं सिखा रही है। कशिश के मैंने मैं यहाँ पर जब जब मॉडल बन के आई हूँ ना, मैंने देखा है लोगों को बहुत ही दिल से करते हैं प्रैक्टिस, और बहुत अमेजिंग लगता है मुझे देख के। मेरे हाथ के बाल खड़े हो रहे हैं यार बाहर, मैं कि मैं बस वर्ड्स ही नहीं बोलने के। और मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आई हूँ, और वो भी कशिश जैन के, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और थैंक यू कशिश, मुझे यहाँ यू एज वेल फॉर चूजिंग अस ऑब्वियसली। तो सीखते हैं साथ में, मजा आएगा बहुत। सीखेंगे भी कुछ, मैं जिनको जानती नहीं, लाइक कुछ लोग मुझसे डरते होंगे, कशिश ने बताया, तो मत डरना गाइस प्लीज, नहीं डरेंगे, बस मुझे गुस्सा नहीं दिलाना। मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं, मैंने बताया आप बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, देखा। तो इसके अलावा भी
मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं शूट कर रही हूँ, तो आप सबको मैं कवर करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया देखे और कोई मेकअप आर्टिस्ट के पास पैसे डालने से बेटर है कि यहाँ पर डाले जो वर्थ हो, राइट? तो सीखते हैं, मजा करते हैं यार, मजा आएगा बहुत। तो गाइस हमारी ब्राइडल तैयार हो चुकी है, ये है इनका हल्दी लुक और आउटफिट तो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत भूख लगी है, नींद आ रही है, चक्कर आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा इतना नहीं बोल रही, सिर्फ भूख लग रही है और नींद आ रहा है। और कशिश जी कैसा था खाना? बहुत ज़्यादा अच्छा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन इन क्लास, एंड मैं तो कल आई थी, मैं नई आई हूँ ना, तो मेरा तो नहीं है, मैं जा आपका पहला दिन, बट बहुत मजा आया, तुमने कुछ नहीं कहा मुझे, मुझे बिल्कुल नहीं 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 ये मत बोलो, ठीक है तुम अच्छी हो, ये नहीं 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 खाना हजम नहीं हो रहा मेरे को, प्लीज मत करो हजम, रात को मत खाना। पर्सनली मैं बोलूंगी जो मेरा दिल करेगा मैं बोलूंगी, सबके सामने थोड़ी बोलूंगी, इतना मुझे भी पता है। तो अभी तुम जा रही हो क्वेश्चन आंसर करने लोगों से? अभी तुम जाके रेस्ट करो। नहीं, मैं जा रही हूँ वीडियोस बनाने जब तक नए चैनल के लिए। ओके, थोड़ा प्रमोट कर लेते हैं इस चैनल को भी हम। प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ। तो हम चलते हैं रील्स बनाने और वीडियोस बनाने। कर लो, थोड़े रील्स बना लिए मैंने और अभी जाके प्रैक्टिस करना है, आज जो सिखाया मैं आपको सिखाऊंगी। आज का जब सेशन हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मैं मेकअप करती हूँ उसका 20% 30% शायद मैं करती हूँ 100% में से, तो वो 70% सीखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और क्या सिखाती है यार कशिश, आई होप इंशाल्लाह मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो। एंड इस यू नो बात में भी आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मेकअप आर्टिस्ट एज मेकअप आर्टिस्ट नायक कौन आदि यार ही सुनिए मुझे खुद भी, पर बचपन से मुझे ना मेकअप करने का बहुत शौक था टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो सपना पूरा कर रही हूँ मैं खुद से, खुद के दम पे, बहुत प्राउड फील हो रहा है आज खुद पे, तो मज़ा आ रहा है। और हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे और फिर कशिश बताएंगी नेक्स्ट क्या करना है हमें। आज डांट खाते खाते बच गई हूँ मैं क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं किया, तो लेट्स सी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। आई होप सो कि मैं कर पाऊँ, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है खुद पर मैं कर पाऊँगी। यस, गलती करूँगी पर गलती करके ही सीखूँगी। चलते रेस्ट कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। ये देख रहे हो ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मुझे साफ़ करनी है और जो मैं साफ़ नहीं करती हूँ, इतने साफ़ कर लिए मैंने बैठे बैठे इतने और बाकी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे किसे साफ़ किया जाता है। इसे ऐसे 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 साफ़ किया जाता है इससे वो भी, ठीक है? हम ब्रांड प्रमोशन नहीं करें बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि मेरी तरह और भी लड़कियां होंगी जो शायद शैम्पू से धोती होंगी पर इसको ऐसे साफ करते मुझे यहाँ आके पता चला। थैंक्स। सो गाइस आई एम रेडी फॉर माय प्रैक्टिस। तो गाइस हम चल चुके हैं प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पर सब मेरा वेलकम करते हुए स्टूडेंट्स का गाइज मैं आ चुकी हूँ बैक टू माई रूम। तो आज मैंने प्रैक्टिस किया और आज मेरी गलती ये थी कि मैं ये जो डार्क शेड है यहाँ तक मुझे यहाँ तक करना है और मेरे आईब्रो बोन को
से थोड़ा सा नीचे मुझे यहाँ तक क्रॉस करना है। डन फॉर द डे। सो गाइस, टिल देन स्टे ब्लेस्ड और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बताओ कि और क्या करूँ मैं। क्रिएटिविटी सीख रही हूँ। अच्छा, मेरा टी शर्ट नहीं देखा ना आप लोग ने, एक मिनट। दिस इज हाउ आई लुक। ये पीके का लोगो है। मिलते हैं कल फिर वापस नए आई शेडो या नए मेकअप के साथ, नए टास्क के साथ।